अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलिए जी, आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग ना मैंने रात में डिनर के टाइम पे स्टार्ट किया था, और आज डिनर का मेन्यू था फ्राइड राइस विद मंचूरियन, चिकन मंचूरियन। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट खाना है। मैं हर थोड़े दिन बाद ना ये लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिनों बाद ही ना इसकी क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। और जनाब, यहाँ बस डिनर से फारिग होने के बाद सबसे पहले मैंने किया किचन साफ़। और जब मेरा किचन क्लीन हो गया, तो उसके बाद मोहम्मद हुसैन को लेके मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि वो काफ़ी देर से बाहर जाने का कह रहे थे। और जैसे ही मैं नीचे आई हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने की साइकिलिंग। और जब तक मैं साइकिलिंग करती रहती हूँ ना, मोहम्मद हुसैन मेरे पीछे पीछे भागते रहते हैं और रोते रहते हैं। उन्हें शायद लगता है कि मामा जो है ना, वो उनको छोड़ के चली जाएंगी, तो इसीलिए वो बहुत रोते हैं और मेरे पीछे पीछे भागते रहते हैं। वो मुझे साइकिलिंग करने नहीं देते हैं। और बस उसके बाद थोड़ी सी तफरी की, हमने राइडर पर बैठ के बिना खूब स्लाइड्स ली, तो बहुत मज़ा आया। यहाँ बच्चे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन बहुत खैर ऑफिस से गुजर गया। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग का हमारा आगाज़ हो गया। और क्योंकि ये फ्राइडे की वीडियो है, और फ्राइडे को 12 रबी अव्वल की वजह से छुट्टी थी, तो वकास साहब घर में ही थे, तो इसीलिए हमने नाश्ता थोड़ी सी लेट किया था। वकास साहब उठे थे, रेडी हो गए थे, और नमाज़ की तैयारी उनकी कंप्लीट हो गई थी, तो बस फिर वो नाश्ता करके ना नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। और यहाँ मोहम्मद हुसैन साहब जो है जागे ही अभी थे, तो इसीलिए इनको अभी हमने तैयार नहीं किया था। और जनाब, ये बहुत मुश्किल काम है कि मोहम्मद हुसैन को बिठा के खाना या नाश्ता करवाना, ताकि वो सुकून से कर लें। ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मोहम्मद हुसैन सुकून से बैठते ही नहीं है खाने पे। तो बस यहाँ नाश्ते वाश्ते से फारिग होने के बाद और नमाज़ से फारिग होने के बाद शाम में जहरा ने बनाई थी स्पैगेटीज़, तो वो भेजी थी। तो यहाँ हम बस शाम की चाय के साथ ना स्पैगेटीज़ खा रहे हैं। और यहाँ मोहम्मद हुसैन देखें तैयार शायर हो गए थे, उसके बाद दोबारा से इनकी हालत हो गई थी। और माशाल्लाह से मोहम्मद हुसैन पे वाइट कुर्ता शलवार बहुत खिल रहा था, लेकिन मोहम्मद हुसैन ना वाइट कुर्ता शलवार को सिर्फ 2 से 3 घंटे चलाते हैं, उसके बाद उसकी हालत कर देते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद हुसैन प्याज से खेल रहे थे, क्योंकि इन्हें हर कोल चीज़ जो है ना वो बॉल लगती है, उन्हें लगता है ये बॉल है। खैर, रात में मैंने आज कोई डिनर की तैयारी नहीं की थी। आज आया था अफशीन बाजी की तरफ से खाना, उन्होंने भिजवाई थी चिकन बिरयानी साथ में ज़र्दा, और बस यही आज हमारे डिनर का मेन्यू था। बस खाने वाने से फारिग होने के बाद दोबारा हम नीचे आ गए थे, और क्योंकि जो है ना ये बच्चा अपनी कैट लेके आया हुआ था, तो मोहम्मद हुसैन साहब तो बस उसके पीछे ही लग गए थे। उन्हें बस ये था कि मैं किसी तरह कैट को पकड़ लूं, और बहुत कोशिशों के बाद इन्होंने गोद में भी ले लिया था। मतलब हम सब एकदम परेशान हो गए थे कि ये क्या कर रहे हैं, बिल्ली इनको कुछ कर ना दे। लेकिन नहीं भाई, मोहम्मद हुसैन बिल्कुल फिटफाट थे, मज़े में थे बिल्ली के साथ। और मज़े की बात ये थी कि कैट भी जो है ना इनके साथ बहुत रिलैक्स थी, और वो आँखें बंद करके सो गई थी इनकी गोद में। मतलब उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मोहम्मद हुसैन को जितनी बिल्लियों से मोहब्बत है ना, मुझे उतना ही डर लगता है बिल्लियों से। एनीवे जी, आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।